अमृतसर के सुल्तानपिंड इलाके तो एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इत्थे एक रिंपी नाम की औरत अपने पति ते तीन बच्चों को छड़ के आप दे पेके चली गई है। इसका कारण यह दसया जा रहा है कि उसके पति के चेहरे ते तेजाब पै गई सी। रिंपी खिलाफ पति ने थाने च रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मैं अपना करदा मजदूरी करके आना, मशीना मशूना चलाना प्लास्टिक दियाँ, हाथ से मेरे छाले पे मेरे सिर्फ तिया भैन दे करके मैनू कहती कि हूँ सोहना नहीं रहा तो मैं होर कि विह करा। मेरे इतने पई सी, इतने भी पई हुई है तो हूँ दो बारी छड़ के गई है। रिंपी रिंपी नाम तीन बच्चे, दस साल विह हो गए मेरे। हाँ जी हाँ जी, पहली बार वेखना पाया, छे सत महीनों से इन्हें काम दिखाया वा, बाकी दस साल है बिल्कुल सही चलती रही, कोई साढ़े घर ज्यादा का कलेश होया ही नहीं। हाँ जी हाँ जी। कहें मैं तेजाब पै गया, मूँह का सोहना नहीं गा तो हूँ मैं नहीं रहना। मैं कमाई करके लिया वा, मम्मी मेरे मैं कि नाल बच्चे संभालते ने, तो मैं मम्मी को आ गया वा। मम्मी पहला बाहर सी, तो मैं मम्मी के कोल आ गया वा, मम्मी फिर मेरे बच्चे सामने, तो मैं अपना कमाई करके लियाना वा, बच्चों नू पालदा। मैं सिर्फ यह चाहना वा कि मेरे घर आवे, घर आवे, बच्चे आके संभाले, तो मैनू कोई इन्ना गुस्सा खिला नहीं गा, अपना खुशी खुशाई आवे, घर आके बच्चे संभाले। हाँ जी, उन्होंने कहा कि अज 18 तरीक नू हुण आणगे, फिर उदों फिर होएगी गल बैठ के। गल कुछ नहीं हुई, बड़ा सोहना घर चलता पाया। मैं माँ धियां वा घर दी गई सी, माँ समझी सी, मैं भी हूँ धी समझी सा, पता नहीं है उत्थे पेकों के कोल चली गई है, उत्थे जाके दा दिमाग खराब हो गया। मैनू नहीं समझ आई कि दिमाग की चलता पे, मुश्किल की। पहला बहाने बनना मैनू लड़ती सी, कभी मेरे हसबैंड नू लड़ती सी। असीं निकल गए हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत वध गया, असीं निकल गए हैं, तो बाद च आदमी का भी नहीं ठीक रहे। इहनू जो छड़ के गए इन्हें फोन सानू किया कि मम्मी इदा छड़ के चले गए, तो फिर मैं गई हाँ, बच्चे भी आई हाँ। मैं मैं पिंड च नहीं रहना, तू अमृतसर आया उसे बच्चे सामने पे तो औखियाई बहुत है, मैं औखियाई बहुत, दवाई खानी पी हाँ, बच्चे सामने पे हूँ। मैं तो यही कहनी हाँ कि घर आवे तो अपना बच्चे सामने नहीं रखना चाहती, सानू असी अलग हो जाएंगे, असी अपना अलग पका के खावे, ये अपना घर का काम है। ये शो कुमार है जी, पुत्र विजय कुमार है, सुल्तानपिंड तूत साहब बाजार का रहने वाला। तो इन्हें मानयोग कमिश्नर साहब जी दे पेश होकर कंप्लेंट की अपनी पत्नी रिंपी के खिलाफ। मेरे थाने के एस आई सविंदर सिंह ने रिंपी नाल जिहड़ा संपर्क किया, तो उत्थे पता लगा कि इन्हां दे पहला मुकेरियां थाने भी कोई कंप्रोमाइज़ होए है। तो रिंपी नूं असी बुलाया है, पर रिंपी कहिंदी कि मैनूं थोड़ा टाइम दिता जाए, मैं 10 दिन बाद 15 अगस्त तों बाद आवांगी। तो यह जी वो वाइफ के आने जो दोवे मियाँ बीबी बिठा के फिर ही पता लग सकता भी लड़ाई दस के यहाँ का कारण की।